तो दोस्तों आज मेरा फिर से पार्सल आ गया है मीशो से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो वैदू भी अभी उठ चुका है, ये देख सकते हैं वैदू क्या बनाई है। देखिए वैदू उठ चुका है, थोड़ा सा इसके साथ खेल लेती हूँ, ये खुश हो जाते हैं जब मैं इसके साथ खेलती हूँ। तो दोस्तों वैदू बहुत परेशान कर रहा था, तो अभी मैंने मीशो से जो ऑर्डर आया था उसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, और साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है लेकिन वैदू को सुलाना बहुत ज़रूरी है पहले। अभी मैंने वैदू को रेडी कर दिया है, और गर्मी हो रही है यहाँ, तो मैंने अभी आज उसको टी शर्ट के नीचे से हाफ निकर बनाया है। तो वैदू कैसा लग रहा है? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो दोस्तों अब मैं कर रही हूँ जो मीशो से मेरा ऑर्डर आया था उसकी अनबॉक्सिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या ऑर्डर कर रखा है। मैंने सोचा था कि आज क्या आने वाला है, क्योंकि मेरे दो तीन ऑर्डर आने वाले हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा आज ऑर्डर क्या है। अभी कल ही मेरा एक ऑर्डर आया था, और आज फिर से एक मेरा ऑर्डर आ गया है मीशो से, तो मैं आज इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये मैंने ऑर्डर क्या कर रखा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें मैं क्यों मंगा रही हूँ। तो मैंने आज मंगाया है रील्स का पूरा डिब्बा, पूरा बॉक्स, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। कभी एक रील चाहिए होती, हर कपड़े के लिए अलग अलग रील्स चाहिए होती हैं, तो कभी काली चाहिए होती है, कभी नीली चाहिए होती है, कभी पीली चाहिए होती है, कभी सफ़ेद चाहिए होती है, तो मुझे बार बार शॉप में जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा बॉक्स ही मंगा लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार शॉप में ना जाना पड़े। तो मैंने पूरा बॉक्स ही मंगा लिया, और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में ये रील्स का डिब्बा मिला है। तो आज भी मेरा ऑर्डर जो है बहुत अच्छा है मीशो से। अभी मैंने तीन माल्टे निकाल दिए हैं, और मैं इनका अभी फ्रेश जूस बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी मेरे पास सिर्फ जार पड़ा हुआ है, तो मैं जार में से पीस के फ्रूट्स बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, मुझे साफ करना पड़ेगा। पता नहीं इसमें हस्बैंड ने मॉर्निंग में चाय गिरा दी है, या पता नहीं क्या कर दिया है। तो अभी मुझे पहले इसमें सबसे पहले मैं इसे पोछा मार लेती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदगी। तो दोस्तों अब मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दिया, और अब मैं आपको पीस के उसको दिखाती हूँ और उसका टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। तो इसे मैंने पीस लिया है, और आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ठंडे की वजह से नहीं पी रही हूँ, ठंडा मुझे लग जाएगा और मेरे बच्चे को भी ठंडा लग जाएगा, इस वजह से मैं आइस नहीं डाल रही हूँ और नॉर्मल पी रही हूँ जूस। तो दोस्तों अब मैं तो दोस्तों अभी मैंने माल्टे का जूस बना लिया है, बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी। फ्रेश जूस पीना चाहिए हमेशा। बहुत टेस्टी जूस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को, और मेरी मॉर्निंग भी हो चुकी है, वैदू भी उठ गया है, और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। कल रात मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, तो आज मॉर्निंग में मुझे ब्लॉग एंड करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले मैंने नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि वैदू भी अभी खेल रहा है और मस्ती कर रहा है, तो अभी वो सोया नहीं है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं वैदू भी अभी खेल रहा है और मस्ती कर रहा है। तो मैं तब तक अपना सारा काम कर लेती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ पूजा, पूजा करने के बाद मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है, और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मेरी पूजा हो जाती है, उसके बाद मेरे सारे काम शुरू होते हैं, और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारा काम है। तो वैदू अभी खेल रहा है, तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में ही ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात में वीडियो शूट नहीं कर पाती,
वैदू रोने में था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई और मैं मॉर्निंग में ही आज ब्लॉग को एंड भी करती हूँ। आशा करती हूँ सभी ने मेरा ब्लॉग देखा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।